नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 1:50 तक रहेगी। आज 19 मई 2024 रविवार का दिन है। आज हस्त नक्षत्र है, वज्र योग है एवं विष्टिकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन कन्या राशि से रहेगा। आज 1:50 तक भद्रा रहेगी। आज राहु काल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। आज यम घंटक योग दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। शुभ कार्य को करने के लिए आज अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:38 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग प्रातः 5:32 से सारे दिन रहेगा। शुभ कार्य को करने के लिए आज लाभ की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:37 तक रहेगा। आज दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से यात्रा करना शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य की सलाह के लिए प्रातः 9:26 से प्रातः 11:44 तक, फिर शाम को 4:20 से शाम को 6:38 तक लेना शुभ रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए शुभ समय प्रातः 9:30 से प्रातः 11:43 तक रहेगा। आज व्यापार तथा बिजनेस को शुरू करना शुभ रहेगा। आज वृष राशि में शुक्र ग्रह रात्रि 8:42 में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आपको लगातार प्रयास करने चाहिए। बिजनेस करने वालों को कंपटीशन के कारण ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए आज नई योजना पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। विद्यार्थियों को कंपटीशन व एग्जाम के लिए कड़ी तैयारी करनी पड़ सकती है। महिला उद्यमियों को कार्य क्षेत्र में नई समस्याएं आ सकती हैं। जमीन, प्रॉपर्टी, आयुध निर्माण, होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों में कार्य करने वालों को आज अर्थ लाभ की संभावनाएं बनती हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्यतः शुभ ही रहेगा। आज स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है। वर्क प्लेस पर माहौल में तनाव होने से खुद को ढालने में समय लग सकता है। संतान द्वारा की जाने वाली कड़ी मेहनत के कारण कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग बनते हैं। लव मेट के साथ इमोशंस को हल्के में ना लें। जुए, शराब, सट्टा, लाटरी जैसे व्यसनों से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा आउटिंग से जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चिंताजनक जाने वाला है। आज घर या ऑफिस से संबंधित किसी बात को लेकर घबराहट या तनाव उत्पन्न हो सकता है। तनाव को दूर करने में मुद्रा प्राणायाम उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आज मदर इन लॉ के साथ घर के किसी काम को लेकर वाद विवाद हो सकता है। आज माता पिता के स्वास्थ्य का आपको चेकअप कराना चाहिए। पिताजी के साथ किसी समारोह में जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज प्रॉपर्टी या नया बिजनेस शुरू करने का उचित समय नहीं है। आज किन्नर को हरी सब्जियों का वर्क प्लेस पर जाने से पहले दान दें। कर्क राशि वालों का आज का दिन बेहतर जाने वाला है। आज मानसिक व शारीरिक रूप से आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके उत्साह तथा प्रसन्नता को देखकर घर के सभी सदस्यों में भी उत्साह की वृद्धि होगी। विशेषकर छोटे भाई बहनों के साथ शानदार समय को बिताए जाने की संभावनाएं हैं। आज आपका काफ़ी समय लैपटॉप या मोबाइल पर निकल सकता है। आपकी क्षमताओं से प्रभावित होकर आपकी कंपनी आपको किसी ओवरसीज प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। महिला उद्यमियों के लिए आज का दिन बिजनेस को विस्तार करने वाला हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्यतः शुभ ही रहेगा। आज मेंटल फटीग होने की संभावना बनती है। न चाहते हुए घर के कर्मचारियों पर कटु शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत का क्रेडिट
आज आपको मिल सकता है। कृषि जमीन के बंटवारे से संबंधित कोई पारिवारिक मीटिंग होने की आज संभावना बनती है। राजनीति से जुड़े लोगों को अभी धैर्य रखना चाहिए। विद्यार्थी बेहतर पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को लेकर ला रहा है। आज आपको अपने डेली रूटीन को व्यस्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। घर के बने भोजन को आपको प्रमुखता देनी चाहिए। एंटरटेनमेंट से जुड़ी किसी एक्टिविटी में आपको भाग लेना चाहिए, जिससे कि आपका तनाव कम हो सके। करीबी मित्रों के साथ आज बाहर घूमने की संभावनाएं बनती हैं। अपनी भावनाओं को अपने जीवन साथी के साथ ही शेयर करें। बाहर वाले आपका फायदा उठा सकते हैं। आपका बिजनेस अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकता है, इसके लिए अपने साझेदार की सलाह को बराबर महत्व दें। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रहने की संभावना है। आज शारीरिक व मानसिक रूप से आप कमजोर फील कर सकते हैं। आज सात्विक भोजन को स्थान दें। ड्रिंक व नॉनवेज फूड आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन व डिहाइड्रेशन से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। जीवन साथी को नियमित रूप से समय देने से घर की समस्याएं कम हो सकती हैं। किसी रिश्तेदार के साथ अनचाही यात्रा पर आज जाना पड़ सकता है। सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय करने वाली महिलाओं को आज विशेष रूप से अर्थ लाभ की संभावनाएं बनती हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मन में अनिष्ट की आशंका उत्पन्न हो सकती है। आपको कार्यक्षेत्र पर ज्यादा पेशेवर अप्रोच अपनाने की जरूरत है। संतान के द्वारा बाहर बनाए गए संबंधों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉपर ध्यान न देने के कारण संतान किसी ड्रग या व्यसन में पड़ सकती है। आपकी राशि पर ढैया चलने से कार्यक्षेत्र में तथा पारिवारिक क्षेत्र में व्यर्थ का तनाव उत्पन्न हो सकता है। आज आपको बजरंगबली की आराधना करनी चाहिए। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ व अशुभ दोनों प्रभाव को ला रहा है। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आज पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आने की संभावना है। आज ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित महत्वपूर्ण मीटिंग उच्च अधिकारी के साथ यदि संभव हो तो टाल दें। म्यूचुअल फंड व सोने में किया गया निवेश भविष्य के लिए अच्छा रह सकता है। आज अपने तथा जीवन साथी के हेल्थ इंश्योरेंस कराने की संभावना बनती है। कपड़े, खेल का सामान, कोरियर, केमिकल तथा पेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाले लोगों को आज अर्थ लाभ की संभावना बनती है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद शानदार जाने वाला है। चंद्रमा का भाग्य स्थान से भ्रमण करना आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज प्रमोशन से संबंधित महत्वपूर्ण फाइल पर उच्चाधिकारी मोहर लगा सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई योजना आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि दिला सकती है। रिश्तेदारों पर जरूरत से ज़्यादा खर्च करने से घर का बजट बिगड़ सकता है। विद्यार्थियों का तकनीकी व कानूनी पढ़ाई करने वाले कोर्सों में आज एडमिशन होने की संभावना बनती है। साढ़े सती के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आज आपको पशु पक्षियों को जल व भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। राशि से चंद्रमा के अष्टम भाव से भ्रमण के कारण स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है। किसी प्रोजेक्ट पर साथी कर्मचारियों का साथ ना मिलने से परेशानी आ सकती है। ससुराल पक्ष के किसी रिश्तेदार के कारण कोई तनाव भी हो सकता है। आज पत्नी तथा बहन के बीच आपसी विवाद को अपनी बुद्धिमत्ता तथा चतुराई से आप हल कर लेंगे। पारिवारिक तथा सामाजिक रिश्ते सहज न होने से मन में निराशा उत्पन्न हो सकती है। योग व प्राणायाम को दिनचर्या में स्थान दें तथा सेवा का कोई एक कार्य जरूर करें। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी से बिताने का दिन है। आज आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बैडमिंटन जैसे किसी स्पोर्ट को ज्वाइन करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यों को पेंडिंग में रखना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आज घर में होने वाली बातों को अवॉइड करें।
घर की समस्याओं से बचने के लिए परिवार के दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपको पारिवारिक सदस्यों में बांट देनी चाहिए। व्यवसाय के लिए कर्जा लेना अभी उचित नहीं है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।